हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय पवार फैमिली ब्लॉग। और आज है हमारा दूसरा दिन, जो कि अभी श्रीनगर में ही है। यहाँ का मौसम बड़ा मस्त है और भाई बहुत मज़ा आ रहा है। और जो हमारे अब्दुल लतीफ़ साहब हैं, बहुत ही सेवा कर रहे हैं हमारी। ये चले गए, अभी अभी इनसे बात करेंगे अच्छा, बस माशाल्लाह। हम लोग तैयार हैं, बस आप लोग और चलो तैयार हो जाओ। हमारे बाबूजी हैं खालिद भाई, जो कि इनके वो भी ही नस्बत नहीं से हम यहाँ आए हैं, इनके पर्पज़ से। इनके ही दोस्त हैं अब्दुल लतीफ़ साहब, जो कि बहुत ही मतलब इतना सोचा नहीं था जितनी कर रहे हैं हमारी। और भाई यहाँ एक बात और है, मौसम नॉर्मल ही रहता है, बहुत बढ़िया, और पानी भी इतना अच्छा है, खाना ये पीना भी बड़ा आप मस्त, बहुत ही ये भी आप ज़बरदस्त, माशाल्लाह बहुत भी मज़ा आया है भाई साहब यहाँ। यार। यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और हम लोग हैं श्रीनगर में, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है। और आज का हमारा जो टूर है, जुमे का दिन है और हम लोग अभी निकलने वाले हैं जामा मस्जिद के लिए, जिसको कहा जाता है कि श्रीनगर की जो जामा मस्जिद है वो बहुत ही खूबसूरत है। और माशाल्लाह वहाँ का जो भी नज़ारा होगा, इंशाल्लाह हम आप सब लोगों को दिखाएंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो भाई साहब निकलते हैं। अब्दुल लतीफ़ साहब अभी गाड़ी लेने गए हैं और अभी हम चलते हैं, हमारी गाड़ी तैयार है। केवाईसी केवाईसी है कश्मीर की मार्केट है। यहाँ कौन सी मार्केट है वैसे? ये डाउन टाउन एरिया, इसका डाउन टाउन एरिया। 650 साल पुरानी दरगाह है और ये जिस तरीके से आज से 650 साल पहले नज़र आती थी, वैसे ही आज भी नज़र आती है, जो श्रीनगर में वाकई मौजूद है। और अभी हम आपको दरगाह में ले जाते हैं अंदर, जो 650 साल पुरानी है। आप अभी लोग अब्दुल लतीफ़ साहब ने दरगाह पे आज भी है इंट्रोडक्शन कराया है, बारे में बताया है ना, तो अभी अंदर दिखाते हैं आपको। काम है ना, वाह क्या व्यू है भाई, जबरदस्त है भाई जो व्यू है, माशाल्लाह सुभानअल्लाह। ये मस्जिद है 650 साल पुरानी, इसको माशाल्लाह कितनी बढ़िया बना रखी है। कश्मीर की बात ही अलग है, जो बहुत बढ़िया ये पानी रखा हुआ है अलग से, यहाँ से पानी भी। तो अभी हम आए हैं एक दूसरे मकबरे में। ये एक यहाँ के जो राजा थे उनका मकबरा था ये, और यहाँ भी बड़ी खूबसूरती है देखो। 1931 में बोल रही हूँ, ये मकबरा बनाया गया था। पूरी डिटेल है इसके बारे में, अच्छा इन्होंने शहादत पाई यहाँ पे। 22 लोगों ने, 23 है, 23 है, 23 है, 23 लोगों ने। क्या आप लोगों को अभी हम लोगों ने लाइव कराया है, जिन लोगों ने यहाँ पे उसमें शहादत दी, उन लोगों की पूरी हिस्ट्री आपको दिखाई गई है। और ये बहुत तारीखी जगह है, जिसको ये कह सकते हैं कि सेंट्रल जेल श्रीनगर के सहन में 13 जुलाई 1931 को। और जिन लोगों को मतलब ये कि एक वहाँ यहाँ की फौजियों ने जब अल्लाह अकबर की सदा गूंजी, एक के बाद एक को शहीद करते गए। अल्लाह इनकी कब्रों को नूर से मनवर फरमाए। ये यहाँ की जामा मस्जिद है और ये पूरा एरिया जामा मस्जिद का है। ये जो हमारे बैक साइड में है, यही जामा मस्जिद है यहाँ की। हम आज जो जुमे की नमाज़ अदा करेंगे, आज जुमा है, वो यहीं करेंगे जामा मस्जिद में। अब हम जामा मस्जिद में एंट्री कर रहे हैं देख सकते हैं। और ये सब
ये जामा मस्जिद का एरिया है सब। ये मार्केट भी अपनी है इनकी, जामा मस्जिद की ही अंदर। ये पार्किंग इनका सब बहुत बढ़िया है। वजू खाना दोस्तों, अब हम आए हैं अंदर मस्जिद में, एंट्री कर रहे हैं। और ये सब मस्जिद की ही मार्केट है भाई, बहुत ही अच्छी मार्केट है यहाँ पर। और सभी कुछ बहुत बढ़िया मिलता है यहाँ भाई, ज़बरदस्त है जो भी बात है यहाँ सब चीज़ माशाल्लाह। ये मस्जिद का मेन गेट है, जामा मस्जिद का। क्या व्यू है माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त। तो दोस्तों ये मस्जिद है जामा मस्जिद, इसका अंदर का देखना क्या क्या पिलर है भाई साहब, पिलर देखना कितने ऊंचे ऊंचे हैं। और सब लकड़ी से आए सब, ओह माशाल्लाह जबरदस्त है। मतलब लकड़ी से इतना बड़ा काम, क्या चिनाई कर रखी, ईंटों से भी चिनाई भाई साहब जबरदस्त है जो बात है माशाल्लाह। हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि कश्मीर में मतलब इतना सब कुछ भी है, लेकिन आकर पता लगा है वाकई में है जो बात है ये। अब हम मस्जिद के अंदर फिर दोबारा से एंटर कर रहे हैं, मतलब ये ग्राउंड है मस्जिद का, ये जबरदस्त है जी जो ग्राउंड भी है ये देख, वाओ जबरदस्त माशाल्लाह। आए और आने के बाद में जो भी कुछ देखा है, और अब अपने आप पे अपनी ज़िंदगी के ऊपर बहुत अफसोस हो रहा है कि हम लोग बहुत देर कर दी हम लोगों ने यहाँ तक आने के लिए। और अब ऐसे प्रोग्राम बनाया जाए करेगा कि जैसे महीने में 3 दिन जमात के लिए जाते हैं, ऐसे ही 3 महीने में कम से कम 3 दिन के लिए चला करेंगे इंशाल्लाह, और कश्मीर आया करेंगे। और अब की बार इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम लोग जो प्रोग्राम बनाएंगे वो अपनी फैमिली के साथ में बनाएंगे। और आप देख सकते हैं मतलब किस तरीके से ये दर इधर पर बने हुए हैं, और मतलब एक व्यूज़ इस तरह का है यहाँ जामा मस्जिद का। और इसकी जो तारीख़ है वो आप लोगों को मैं पहले ही बता भी चुका था, ये श्रीनगर की जामा मस्जिद जो है ये हिस्टोरिकल जामा मस्जिद कहा जाती है, तारीख़ी जामा मस्जिद जिसको बोलते हैं। और यहाँ की मार्केट भी आप लोगों को दिखाई थी हम लोगों ने, और यहाँ का जो मैनेजमेंट है, जो सिस्टम है, मतलब ये ऐसा फील होता है कि हम लोग हिंदुस्तान में नहीं हैं, हिंदुस्तान से बाहर हैं। बस फिर वही बार बार यही बात कहने को मन करता है कि आज तक सुना था कि कश्मीर को हिंदुस्तान की जन्नत कहा जाता है, आज देख भी लिया। चलो दोस्तों फिर मिलते हैं, बाय। तो दोस्तों अब चलते हैं जामा मस्जिद से, और काफ़ी टाइम होगा घूमते घूमते यहाँ, और अब दूसरी जगह चलते हैं, आपको दूसरी जगह दिखाएंगे वहाँ के नज़ारे। आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में।